नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने झंडोत्तोलन के साथ देश और प्रदेश वासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। राज्य के शहरी और स्टेट की बसों में BLTD डिवाइस हुआ अनिवार्य। BSSC द्वितीय चरण की इंटर स्तरीय परीक्षा होगी ऑनलाइन। बिहार के कई क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। धोनी और सुरेश रैना ने साथ में क्यों लिया संन्यास, इसका हुआ खुलासा। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने झंडोत्तोलन के साथ देश और प्रदेश वासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बिहार में भी इस राष्ट्रीय पर्व पर काफी हर्षोल्लास देखने को मिला है। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने अपने आवास पर झंडा फहराया और पूरे देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सीएम नीतीश ने इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वीर जवानों को नमन किया और कहा इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां 9 बजे झंडोत्तोलन कार्यक्रम था। इस दौरान सीएम नीतीश ने परेड की सलामी ली, फिर कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने अपने संबोधन के साथ किया। आज के इस अवसर पर पूरा गांधी मैदान बड़े ही खूबसूरती के साथ सजा था। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश प्रदेश वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आए। अटारी वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया एकमात्र ऐसा स्थान जहां आधी रात को मनाते हैं आजादी का जश्न। अटारी वाघा बॉर्डर पर आधी रात को झंडोत्तोलन किया जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आधी रात में सभी बड़े ही शान से झंडोत्तोलन कर सलामी देते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्णिया के झंडा चौक पर 14 अगस्त की रात 12:01 पर शहरवासियों ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सभी ने राष्ट्रगान गाया और भारतीय तिरंगा आसमान में अपना वैभव बिखेरता दिखाई दिया। आज़ादी के आंदोलन को बेहद ही करीब से देखने वाले बताते हैं कि आंदोलन में मुख्य तौर पर सक्रिय रहने वाले नेता रामेश्वर प्रसाद सिंह ने बगैर किसी देरी के झंडा चौक पर पहले से रखे कच्चे बांस को उठाया और वो तिरंगा जो अब तक अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई के काम आ रहा था, उस तिरंगे के एक सिरे को बांस से बांधकर ठीक 12:01 पर फहरा दिया और तब से लेकर आज तक यहाँ इसी समय में झंडोत्तोलन होता है। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने वाली ये झांकियां हुई पुरस्कृत। आज पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद 13 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। सभी झांकियां एक से बढ़कर एक थीं। झांकियों के प्रदर्शन के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले झांकियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसमें पहले पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को मिला और दूसरे नंबर पर जीविका को पुरस्कृत किया गया। वहीं तीसरा पुरस्कार उद्योग विभाग और बिहार अग्निशमन सेवा को दिया गया है। सभी झांकियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। बिहार के कई क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पूर्व बिहार कोसी और सीमांचल में गंगा कोसी और कारी कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समस्तीपुर में भी गंगा का पानी अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फैल रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनती जा रही। हालांकि जलस्तर स्थिर रहने से पलायन की स्थिति अभी तक नहीं आई है। वहीं सड़कों पर पानी के बहाव से आवागमन कई जगहों पर बाधित है। भागलपुर कहलगांव NH 80 पर पानी चढ़ने से यहां भी आवागमन बाधित है। राहत की बात है कि मुंगेर किशनगंज में नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। वहीं दूसरी तरफ खगड़िया में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। BSSC द्वितीय चरण की इंटर स्तरीय परीक्षा होगी ऑनलाइन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने फैसला लिया है कि BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। आपको बता दें कि पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होने वाली है। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2023 में ही समाप्त हो गई थी। इस परीक्षा के लिए 25 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वैकेंसी के माध्यम से 12,199 पद भरे जाएंगे। बिहार पुलिस अपने कार्यप्रणाली में रोबोट की लेगी मदद। बिहार पुलिस हाईटेक होने के लिए अपनी कार्यप्रणाली आधुनिक करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस अपने कार्यप्रणाली में रोबोट की मदद लेगी। रोबोट बॉम्ब की तलाश कर उसे निष्क्रिय करेगा। खबर मिली है कि बिहार पुलिस बॉम्ब डिटेक्शन एंड लिफ्टिंग रोबोट खरीदने जा रही है, जिसकी लागत करीब 4.05 करोड़ रुपये हो सकती है। इस रोबोट को बिहार पुलिस के आतंक निरोधी दस्ता यानी ATS में शामिल किया जाएगा। इसकी मंजूरी गृह विभाग
विभाग की तरफ से दी जा चुकी है। इस संबंध में महालेखाकार को उप सचिव प्रकाश रंजन द्वारा पत्र भी लिखा गया है। आपको बता दें कि अभी तक डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से बम की तलाश की जाती थी, लेकिन ये काम कठिन था और जान का खतरा भी बना रहता था। लेकिन रोबोट की मदद से बम की तलाश करना पहले से और भी आसान हो जाएगा और रोबोट इसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर भी ले जाएगा। सीएम नीतीश का ऐलान, एक साल में 12 लाख नौकरियां। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर 10 लाख नए लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन इस साल के अंत तक हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। राज्य के शहरी और स्टेट की बसों में VLTD डिवाइस हुआ अनिवार्य। राज्य के शहरी और स्टेट की बसों में VLTD डिवाइस हुआ अनिवार्य। परिवहन विभाग कबाड़ी अन्य बसों से होने वाले हादसे और यात्री सुरक्षा के लिए काफी सख्त हो चुका है। विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD राज्य के शहरी और स्टेट की बसों में अनिवार्य कर दिया है। यदि बस संचालक अपनी बसों में VLTD डिवाइस नहीं लगाएंगे तो उन्हें परमिट नहीं दी जाएगी। इसके लिए इन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। सभी परमिट के आवेदनकर्ताओं को राज्य परिवहन पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वाहनों के सभी मानक और दुरुस्ती प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, VLTD की सक्रियता, अवैध परिचालन आदि की जांच की जा रही है। बिहार के शिक्षिका के पढ़ाने का ये अंदाज, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बीते कुछ समय में कई बार बिहार के शिक्षक चर्चा में आए। हालांकि ये चर्चा उन शिक्षकों की वजह से उठ रही थी जिन्हें ठीक से पढ़ना तक नहीं आ रहा था। इन विवादित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी उंगली उठी। हालांकि एक बार फिर बिहार के एक शिक्षक लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है। इस बार ये शिक्षक विवादित कारणों से नहीं बल्कि अपने सराहनीय कार्यों की वजह से लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रही हैं। इसकी वजह इनके पढ़ाने का तरीका। शिक्षिका का नाम खुशबू कुमारी है और ये कटोरिया प्रखंड के कठौन मध्य विद्यालय में पढ़ाती हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुशबू स्कूल में बच्चों को जिस अंदाज में मात्रा समझा रही हैं, उनके अंदाज को सभी काफी पसंद कर रहे हैं। खुशबू का ये तरीका इतना रोचक, आसान और मजेदार था कि कोई भी बच्चा इसे आसानी से समझ सकता था और आगे पढ़ने और जानने की इच्छा के लिए ललायित हो सकता था। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इनकी सराहना कर रहे हैं। ईडी के नए निदेशक बने बिहार के राहुल नवीन। ईडी के नए निदेशक बिहार के राहुल नवीन बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के तरफ से की गई है। राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। ईडी के प्रमुख पर इनकी नियुक्ति पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई है। हालांकि ये पहले भी लंबे समय से ईडी निदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर थे। हालांकि अब इन्हें पूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले इस पद पर संजय कुमार मिश्रा थे। इनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। अब इन्हें ईडी चीफ के रूप में प्रमोशन दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल नवीन बिहार में बेतिया के रहने वाले हैं। बिहार पुलिस भर्ती मामले में 3 आरोपी आए हिरासत में। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में गड़बड़ी करने वालों को लेकर इतनी कार्रवाई करने के बाद भी इनका सफाया नहीं हो पा रहा है। इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार फिर से पटना में 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोतवाली थाना की पुलिस होटलों की तलाशी कर रही थी, तभी एक कमरे से इन 3 संदिग्धों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। छानबीन करने पर इनके पास से 2024 में हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कई चेकबुक, आधार कार्ड और एक कॉपी जिसमें 8 अभ्यर्थियों के नाम, नगद रुपए, ब्लैंक चेक और मैट्रिक इंटर के रिजल्ट बरामद किए गए हैं। इनसे पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। ऐसी उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में और भी आरोपियों के नाम का खुलासा हो। MBBS कोर्स में नामांकन के लिए 20 अगस्त तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। MBBS कोर्स में नामांकन के लिए 20 अगस्त तक NEET UG 2024 की रैंक के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वीकार होंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार 3 चरणों में संपन्न होने वाली है। गुरुवार को MCC सीट मैट्रिक्स जारी करेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप MCC.NIC.IN पोर्टल पर जा सकते हैं। 16 से 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। 23 अगस्त को पहले चरण के लिए सीट जारी की जाएगी। फिर संबंधित अभ्यर्थी 24 से 29 अगस्त तक संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग करेंगे। जमुई से वन विभाग की टीम ने 15 फीट लंबा सांप किया रेस्क्यू।
जमुई में खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई है। दरअसल इस दौरान किसान खेत में धान की रोपाई के लिए ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे। सांप को देखते हुए ये किसान भाग खड़े हुए। मामला लोगों के बीच फैलते ही वन विभाग की टीम भी वहां रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। इस दौरान अजगर खेत में ही मौजूद एक बिल में जा छिपा था, जिसके बाद सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ दिया गया। वन कर्मचारी ने बताया कि यह अजगर 15 फीट लंबा था। लालू यादव ने राबड़ी आवास पर किया झंडोत्तोलन। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ है तो उसमें कई लोगों ने कुर्बानी दी है और उन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों के कारण आज हमारा देश आजाद हुआ है, आज उनको याद करने का दिन है। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा देश अपने शहीदों को याद करता है। आज के दिन सबको संकल्प लेना चाहिए कि देश और मजबूती से तरक्की करे। धोनी और सुरेश रैना ने साथ में क्यों लिया संन्यास, इसका हुआ खुलासा। साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके कुछ समय बाद ही बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना के संन्यास लेने की खबर भी सामने आई। दोनों ही खिलाड़ी CSK के लिए खेल रहे थे, दोनों ने साथ में ही संन्यास क्यों लिया, ये सवाल कई लोगों के अंदर था। लेकिन इसका खुलासा खुद सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ इतने सारे मैच खेले, मैं उनके साथ भारत और CSK के लिए खेलने के लिए भाग्यशाली था, हमें बहुत प्यार मिला। हमने पहले ही मन बना लिया था कि 15 अगस्त को हम संन्यास लेंगे। धोनी की जर्सी नंबर 7 और मेरा 3, जिसको मिलाकर 73 बनता है और भारत आज़ादी के 73 साल ही उस वक्त मना रहा था, तो हमें लगा इससे अच्छा रिटायरमेंट का कोई और दिन नहीं हो सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नीतीश, रवि कुमार राम, ओमकार सिंह, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, सपना कुमारी, अनवर करीम खान, गुनर शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, नरेश कुमार, राकेश मिश्रा, प्रमिला कुमारी, रंजन प्रकाश, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज आपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न कैसे मनाया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।